यहाँ खड़ी करी है गाड़ी, बोलिए तो लड़ थोड़ी सी मैं राजकुमार कश्यप, हंगामा टाइम न्यूज। मैं जिला बरेली नवाबगंज तहसील और एक सुरख कोठी पढ़ते हैं, थाना भतपुरा और भतपुरा ब्लॉक कुरड़िया में रहता हूँ, कुरकुड़े बात कर रहा हूँ। भैया आपका नाम? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम अमीन नगर। आज क्या मामला है? दवाई लेके आए थे। अच्छा, अमीन नगर कौन से उसमें लगता है ब्लॉक में? अरे नवाब में लगा दी जाए, भतपुरा ब्लॉक में। अच्छा, क्या मामला है? भीड़ लगी है, क्या है? दवाई लेके आए थे, उसने यहाँ पे बोली पेशाब कराया, बच्चा हमें दे दो, उसके बाद अपने पता नहीं कहाँ चलेगी। हम खड़े खड़े यहाँ देखा। शादी कई साल पहले हुई? आज 9वीं साल है। 9 साल जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है। 3 बच्चे? क्या बेटा क्या बेटी? 2 बेटा होंगे, 1 बेटी है। तो अभी यहाँ पे ढूंढ रहे हो? क्या है उसे? कहीं नहीं मिली, यहाँ ढूंढ रहे थे। क्या नाम बीबी का? कमलेश कुमारी। कहाँ की रहने वाली है? गंगापुर। कौन सा गंगापुर? ये बेजदिया स्टेशन पास में। हाँ, नवाबगंज। हाँ, तो क्या था जैसे यहाँ से गाय भेज गई या क्या जैसे लग रहा तुम्हें? कुछ ना था, वो पता ना वैसे कहा बता दे बिना बात है। तो तुम कैसे बाइक से पैदल आए? गाड़ी है क्या? गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी है? हाँ। इससे आए आराम से? हाँ, क्या लोग आए? दोनों लोग आए, बच्चा हो अपनी बहू आई हमारे। आप विकलांग हो? हाँ जी, विकलांग है। बीबी कैसी है? बीबी हमारी सही है, विकलांग है। क्या लग रहा है इसे? बब्बा वैसे कहा बता दे, वैसे तो कोई बात नहीं हमारी। 9 साल शादी होने बाद लगा तुम्हें जैसे कुछ? ना तो कोई बात नहीं लगी। ऐसे क्यों भाग गई? बात बहुत सीधी है। तो अभी आपने फोन कहूँ करा? हाँ, ससुराल करो फोन, फिर वहाँ ना आ पाएगी। और गर्म करो घर से, भैया भैया बुलाए सब लोग, बच्चा दे दो। क्या लग रहा है भाग गई है या कोई हादसा हुआ है? अब जरा इसे कहा बता दे, हादसा तो भाव ना आएगा, कोई हुआ तो मिलती गूँ यहाँ पर ही। क्या लग रहा है तुम्हें? अभी चली गई होंगी। चली गई? हाँ। आप पता कहाँ गई होंगी? वैसे कहा बता दे, रिश्तेदार ना कहीं? रिश्तेदारी में फोन कर लो, कहीं ना है। इनकी बीबी चली गई। ठीक। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।